नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम मिश्र ने भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा से पदभार ग्रहण किया और इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि टी गर्मजोशी से स्वागत करता हूं और साथ ही सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। बता दें कि सरकार ने 28 जून को मिश्रे की नियुक्ति की घोषणा की थी। मिश्रे ने पहले स्पेन और म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में काम किया है और साथ ही पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम और साथ ही श्रीलंका समेत कई देशों के मिशनों में भी काम किया है। भारत के नए विदेश मंत्रालय सचिव बने। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया और साथ ही विक्रम मिश्र ने संभाला कार्यभार। भारत के नए विदेश सचिव बने मिश्री और साथ ही विदेश मंत्रालय ने एक्स पर किया पोस्ट और वहीं विकास मिश्री ने संभाला कार्यभार। विकास मिश्री ने संभाला कार्यभार और साथ ही भारत के नए विदेश सचिव बने मिश्री। हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी रूस के दौरे पर हैं और इस दौरान चैनल हेड ने मॉस्को में क्रेमलिन शहर का दौरा किया और साथ ही वहां लोगों से खास बातचीत कर वहां की जानकारी भी ली और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो हम आपको सीधे अब लेके चलेंगे इस वाले ये हम आपको नदी की सैर कराएंगे। इस बेहतरीन स्टीम हमें ये बोट में हम लेके जाएंगे और हमें इनकी तरफ से खास विशेष छूट भी मिली है क्योंकि इन्होंने बोला अगर आप पत्रकार हैं तो इन्होंने हमें निशुल्क एक तरह से इन्होंने हमें इस बोट में सफर करने का मौका दिया है। तो जब निशुल्क यात्रा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी यात्रा होगी और अब हम इन्हें दिखा रहे हैं। आप देखिए ये लोग हैं, ये यहाँ पे इस तरह से ये लोग पूरा चेकिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप यहाँ देखिए ये लोग हैं यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है यहाँ पे और आप देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ऐसा नहीं कि अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपके पास कोई भी आप जा सकते हैं प्रॉपरली देख सकते हैं कि ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो रही है। एंड आप देखिए यहाँ पे खास तौर से तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर कहीं पर जा रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी मॉस्को दौरे पर हैं और जहां वे क्रेमलिन शहर में वोट का लुफ्त उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम इस समय मॉस्को के सबसे खूबसूरत स्थल पे हैं। खूबसूरत इसलिए कि सबसे पहले मैं आपको खूबसूरत शब्द के बाद जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो आपको भी लगेगा जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। मैं एक बार चाहता हूं पूरा विजुअल इसका दिखाएं। ये हम आपको एक एक यहाँ की बिल्डिंग के बारे में बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। मॉस्को का सबसे बेहतरीन इलाका, सबसे खूबसूरत इलाका जहां पे सिर्फ रशिया के लोग नहीं जबकि पूरे हिंदुस्तान के अलावा जितने भी देशों से जो लोग आते हैं वो आप इन्हें देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे हैं। और ये यहाँ के सबसे ऐतिहासिक इमारत यहाँ के हैं और जिनको आप महसूस करिए कि यहाँ पे शाम का समय है और मैं आपको चाहूंगा कि कृपया यहाँ का ना घड़ी दिखाएं कि समय ये जो समय हो रहा है ये रात के 8:30 बज रहे हैं, ये सुबह के 8:30 नहीं है और सूरज जो है वो ढलने जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रात है कितनी लंबी होती है
है, 8:30 बज रहे हैं और अभी तक सूरज अभी अस्त भी नहीं हुआ है। तो ये यहाँ इसको हम लोग यहाँ व्हाइट नाइट भी बोलते हैं, कई बार यहाँ के जो लोग हैं वो उसको व्हाइट नाइट बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो है रात बहुत लेट होती है। आप देखिए कि किस प्रकार से ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारत है, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाते चलूं, ये आप ये हमारे जब हम बहुत सारी अपनी किताबों में पढ़ते थे, जो ऐतिहासिक हमारी जो किताबें थी, या हम कोई जब हम ऐसी जब हम कोई टेलीविजन में कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, तो हमें ऐसी बिल्डिंग्स हमको जो दिखाई जाती है कि किस तरह से जो विदेशों में इस प्रकार से ये जगह है। और आज आपको मॉस्को में दिखा रहे हैं, ये पुराना यहाँ का, बहुत ही पुराना यहाँ का ये इमारत है और इसको क्रेमलिन बोलते हैं। ये यहाँ की सबसे सेंट्रल मॉस्को, इसको हम कह सकते हैं वो सेंट्रल मॉस्को है ये। और यहाँ पे ये लोग यहाँ शाम के समय आते हैं, लगभग 5 से 6 बजे के बाद लोग जब अपने दफ्तरों से निकलते हैं, और खासतौर जो टूरिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, वो भी यहाँ पे आते हैं। आप बस नजारा देखिए, लोगों की संख्या देखिए, यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है, लेकिन बहुत ही व्यवस्थित भीड़ है। ये सब ये जो जनसंख्या आप यहाँ देख रहे हैं, जो पूरी जो आप ये तमाम ये बिल्डिंग्स हैं, इसको हम लोग ये जो आप सामने की इमारत देख रहे हैं, ये पहले जमाने में इसको मॉल की तरह इसको होता हुआ करता था। इसमें दुकानें भी हैं, अभी हम आपको वहां भी लेकर चलेंगे। आप देखिए, और आप जो सफाई है, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि लोगों की, आप देखिए किस प्रकार से लोगों का यहाँ पे सफाई है। जो यहाँ पे आपको एक भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखेगी जो किसी ने गंदगी की हो यहाँ पे। ये हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें भारत वासियों को जरूर देखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी तमाम इससे खूबसूरत ऐतिहासिक और इमारतें हैं, तमाम ऐसे मंदिर हैं, प्रतिष्ठान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहां पे, खासतौर से हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये नजारा दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए खूबसूरत नजारा। मैं चाहता हूं एक बार फिर से एक बार एक व्यू दिखा दें पूरे इस बेहतरीन इस स्थल का। ये सारी यहां की जो पुरानी, इसको हम लोग रेड स्क्वायर बिल्डिंग भी बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ये रेड स्क्वायर बिल्डिंग है और ये यहां के सबसे पुराने स्थलों में से है। ये एक बिल्डिंग अगर आपको हम बताएं, जो बताया गया कि लेनिन जो थे यहाँ के सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं, वो उनकी उसमें उनकी जो हम कहते हैं जिनके उनका शव यहाँ रखा गया है। और वो सामने जो आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पे अक्सर यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे आए हुए विदेशी मेहमानों के साथ खासतौर से वो उनसे मुलाकात करते हैं। ये वो जगह है। और खासतौर से मैं आपको बताते चलूं कि ये जो पूरी इमारतें हैं, ये अपने आप में एकदम बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत है। अब देखिए सूरज भी ढल रहा है, लेकिन मैं पुनः दिखाना चाहूंगा, समय एक बार दोबारा दिखाएं, 8:35 हो रहे हैं। 8:35 पर आप देखिए कि यहाँ पे सूरज ढल रहा है, और अभी लगभग, हालांकि तभी भी पूरी तरीके से पूरा शाम नहीं होती है। हम लोगों से भी बातचीत कराएंगे अपने अगले अंश में। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, आप देखिए पूरा परिवार यहाँ पे है और ये लोग भी यहाँ पे घूमने आए हैं। यू स्पीक इंग्लिश? You speak English? Okay. So what do you like over here? Krem. Okay. And do you like the monuments over here, the buildings? Yes. My name is? My name is Arbia. Okay. And do you like Coke? फाइन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। तो बच्ची है, थोड़ी सी शर्मा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चों में भी कितना ये जज्बा है खास तौर से यहाँ पे आने का, क्योंकि ये जो जगह इतनी खूबसूरत है कि लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अलग अलग देशों से ये जो लोग थे, आप देख सकते हैं कि शायद हमें ये भी रशिया के नहीं है, दूसरे देश के हैं, तो बहुत सारे देशों के लोग भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ का जो मौसम है वो सबसे बड़ा कारण है खासतौर से। जैसे आपने पुराने पर्यटक ने जैसे जो आपने जिस हमने आपसे बात कराई थी, उन्होंने बोला कि सीजन का बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुख्य मुद्दा रहता है जिसके चलते लोग आ रहे हैं। और ये जो समय है सबसे खूबसूरत समय है, और आप देखिए खासतौर से उन्होंने भी यहाँ पे एक नदी की भी बातचीत की, वो नदी भी यहाँ की अभी हम चलेंगे, आपको वहां से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन मॉस्को का ये इलाका सबसे खूबसूरत इलाका है, क्रेमलिन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे यहाँ पे सबसे बढ़िया बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप देखिए यहाँ पे, ये सब लोग यहाँ पे नजारे लोग आते हैं इसके लुफ्त उठाने के लिए। शाम का समय और यहाँ कोई आपको देखेगा, कोई पटरी दुकानदार नहीं है, कोई यहाँ पे खरीदारी नहीं है, लोग सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, इस पूरे नजारे का, लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि लोग अपने परिवार के साथ हैं, बहुत कम लोग हैं जो डू यू स्पीक इंग्लिश
सो अब हमारे साथ कुछ और भी पर्यटक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे. सो हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस ओवर हियर? दिस प्लेस इज नो ओली नो या подожди. Just a moment. One more time. Давай. Sorry, I'm a little bit shy. Okay, fine. So how do you like this place? This place is amazing. It's the most beautiful place of Moscow. You're from Russia? Yes. So I'm seeing there are many monuments over here. Can you tell about some features about these monuments? What are these monuments about? This is Lenin mausoleum. Lenin is there. You can see him in the morning tomorrow. This is historical museum. It was built in something about 150 years ago. It's a lot of interesting things inside. You can see also this is Собор Василия Блаженного. No, this Собор Василия Блаженного. Basilica of Saint Vasily. It was built more than 400 years ago. It's the most maybe famous place in Moscow. So you all enjoy every day. You come with your family and you enjoy over here every day. Not maybe every day, but maybe once in a year. Because if you are living here in Moscow, you can't come here every day. But if you have free time with your family, with your kids, also you want to visit interesting place and come to here to spend free time to have amazing time with family. It's very nice. Yes. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू वेरी मच. आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे, हमने जैसे इनसे पूछा कि क्या आप यहाँ रोज आते हैं, तो देखिए कहते हैं ना, जैसे हमारे देश में अगर कोई सबसे जो हमारे शहर के जो लोग होते हैं उस शहर की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो वहां पे वैसे तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन एक चीज आप जरूर देखेंगे कि इन्होंने कहा कि हाँ एक बार वो जरूर आएंगे, क्योंकि खासतौर से जो भी लोग भी यहाँ रहते हैं उनको इस शहर के साथ, खासतौर से जो यहाँ के शहरवासी हैं उनको ये जगह बहुत भाती है. और वो आप देखिए कि सब परिवार लोग आ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है यहाँ के बारे में. सब परिवार लोग यहाँ पे खासतौर से आते हैं. हम कह सकते हैं कि जो जोड़े हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन मैं बहुत कम ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो अकेले सिंगल आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन या तो लोग कहीं ना कहीं अपने साथी के साथ आ रहे हैं या अपने परिवार के साथ हैं, ग्रुप्स में है बेसिकली वो लोग, और तमाम देशों के लोग दिख रहे हैं. बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत खूबसूरत जगह है. मैं आपको सिर्फ दृश्यों से नहीं, मैं इसके जो इसका जो आकर्षण है उसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप मॉस्को आए तो क्रेमलिन ये जो जगह है यहां पे, आप इस खूबसूरत जो जगह है, यहां की जो हवा है उस हवा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं महसूस कर रहा हूं खासतौर से इस समय, जब आप आएंगे तो आप भी अंदाजा लगाएंगे. अद्भुत नजारा, बहुत खूबसूरत मौसम, और खास तौर से बहुत ही एक अलग ही अनुभूति यहाँ पे हो रही है, ये आप यहाँ समझ सकते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में एक आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कर्षता महाविद्यालय का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने एनईपी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि ये अगले 25 वर्षों की जरूरतों को पूरा करती है. मेरे साथ बोलिए भारत माता की. क्यों भाई, विद्यार्थियों की आवाज को क्या हो गया है? इतनी युवा अवस्था में आप ऐसी आवाज निकालोगे? ये 55 के 55 स्थान पर इंदौर से आवाज पहुंचनी चाहिए. दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, और मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की. आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्र की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन सावित्री ठाकुर जी, यहां के इंदौर से ही लोक प्रतिनिधि और मंत्री तुलसीराम सिलावट जी,
आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, श्री शंकर लालवानी जी, बहन कविता पाटीदार जी, हमारे भाजपा के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी, श्री रमेश मेंदोला जी, श्री मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, गौरव रणदिवे जी, और आज भारत का भविष्य ऐसे मेरे युवा विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, पुण्य श्लोक अहल्याबाई के नगर के अंदर आज सुबह एक पेड़ मां के नाम, एक वृक्ष मां के नाम, एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में, एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थी भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप छूट गए हैं तो आपके घर के आसपास ही एक पौधा जरूर आज लगा देना, अपनी मां का उपकार को याद करते हुए, भाइयों बहनों। और आज दूसरा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश भर में 55 कॉलेजों को आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सारे पैरामीटर समाप्त कर बच्चों के लिए खुला करने का काम भी आज यहां पर हो रहा है। और जब मैं यहां आया हूं तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा, ऐसा भारत का निर्माण करना। और भाइयों और बहनों, अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरतों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी, और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। मुझे बड़ा आनंद है, मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम है। मुझे बरोबर याद है उस वक्त अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, और एक कार्यक्रम में मैं आया था, पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को मातृभाषा में उच्च शिक्षा, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने का फायदा मिला है। आज लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ हो रहा है वो सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है, इसके पैरामीटर्स, इसके क्राइटेरिया तय है।
और मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आज मोहन जी और इंदर परमार जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं। यहां पर कंपार्टमेंटल शिक्षा नहीं होगी, कंपार्टमेंटल एजुकेशन नहीं होगा। आप बीए करना चाहते हो और विज्ञान के किसी विषय में रुचि है तो उसका डिप्लोमा कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कला में रुचि है, भाषा में रुचि है तो भी आप आपका अभ्यास कर सकते हो। और आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर रुचि है तो भी आपकी रुचि के अनुसार डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। ये बहुत सुंदर एक चैप्टर जो हमारी नई शिक्षा नीति का था, मध्य प्रदेश आज उसको जमीन पर उतारा है। ये बहुत हर्ष की विषय है। भाई और बहनों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। रटा रटाया ज्ञान और रटा रटाया सिलेबस रटकर परीक्षा में नंबर लाना तो सरल है, परंतु अपने अंदर जो गुण ईश्वर दत्त शक्तियां हैं उसको विकास कराना ये बहुत कठिन है। और आज मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। ये सभी कॉलेजों में बीएड का पाठ्यक्रम भी आरंभित किया है, बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इसके कारण कृषि भी वैज्ञानिक होगी, बच्चे कृषि के साथ जुड़ेंगे और स्वरोजगार के कई सारे नए अवसर यहां से होंगे। और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज आईआईटी दिल्ली और कई सारी इंस्टीट्यूशन के साथ वर्बल तरीके से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।